भाई 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 भाई, पहाड़ों में ये सब भी होता है। आग लगी हुई है पूरी, इसमें पूरे पहाड़ में। वो आग वाली जगह अभी भी दिख रही है। और व्यू देखो गाइस, और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। हम तो वैसे निक्कर निक्कर में आए हैं, कैफरी कैफरी में आए हैं। ये हाथ में टाइ के दिखाऊंगा, बस दिखा दिया एक बार। बहुत भी वीडियो बना हुआ है, 2 घंटे पे गड्डी में भी सो। हाँ जी, तो गाइस आज का व्लॉग गाड़ी में गन्ने के जूस के साथ, और मेरे साथ अभी फिलहाल है इधर, तो देखो अपना कोसाब है, और चौथा पर्सन यही था मेरे साथ जो जाने वाला था, कोसाब। तो कोसाब थोड़ा आगे से वीडियो बनाओगे आप एक बारी, ताकि सारे आ जाए। अभी फिलहाल हम 3 लोग हैं, चौथा लोग सन्नी आएगा 7 से 8 बजे के आसपास, और अभी तक हम बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए। तो अभी कोसाब की गाड़ी लेने जा रहे हैं, कहाँ पे? एजेंसी में, मुंडई की एजेंसी जा रहे हैं। फिर आगे की देखेंगे, फिर आगे अभी भी नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं जाओ भाई, कितने तो जावेंगे, ये धरती है उठा गया अपन, और तो कोई उठा नहीं है। जूस पियो, ले ले पहले एक दो बार, ये तो बबे उठेंगे कितना जा। मेन बात ये है, आज मैंने वर्कआउट नहीं करा, सुबह करा थोड़ा सा कार्डियो बस, और अभी फटाफट से बिना किसी डिले गाड़ी लेने जाना है, एंड उसके बाद में निकलेंगे रात को 10 बजे के आसपास। कोच के फोन पे फोन आने लग रहे हैं एजेंसी से, हुंडई से, यानी ये निशान है भाई, इससे आगे है, इससे आगे। तो फटाफट से कोच की गाड़ी उठाते हैं। ललित तुम मेरे को यहाँ उतार के जा सकता है, आराम से जाइयो, ठीक है हमारे। ले भाई कोच की करेटा चमका दी बिल्कुल एकदम, खोल दो। ये भी पेंट भी हाँ, क्योंकि मतलब देख तेरे सामने की बात है, आगे पीछे नहीं है भाई। ये चीज तो आवे कई बार गाड़ी पे हमारे साथ हो जाए, है ना? कोई नहीं भाई, आवेंगे जब अगली बार आओगे चेंज कर दियो भाई, इसमें वो दे दिन से कागज डाल दिया आपने, इसमें डाल दो यार, डैशबोर्ड में डाल दो सारा। बाकी वो ना रेटिंग कौन नहीं लेने कुछ आए होंगे, पंचर पाओगा शायद। ठीक है जी, हेलो सब ठीक है। हवा कम हो रही है एक में, एक टायर में बैलेंसिंग अलाइनमेंट सारी चीज ओके। लो भाई पहुंचने वाले हैं सार, बाकी फटाफट से जाके पैकिंग करते हैं इधर ही ललित इस गाड़ी के अंदर, ये भी अपन जाके पैकिंग करेगा और निकलते हैं फिर सीधा बहुत दूर, अभी भी नहीं बताऊंगा कहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैं तो हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और ना लिया बैग वैग पैक करके गाड़ी में रख दिए, बार को सब ये टी शर्ट ले गया था, नहीं मेरे को तो लगी अच्छी, बाकी आप लोग बताना। रात का सफ़र है, पंखा बंद, कूलर बंद, लाइट बंद, यार कुछ रह ना जाए, जो चलता ना रह जाए, कुछ पंखा हो ही जाए बंद। सो अभी सारा मामला सेट है, कैश मैंने ले लिया, अभी फटाफट से निकलते हैं, गाड़ी में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। सस्पेंस, लाइट तो बंद करके ही नहीं आया, शुक्र है। अभी तो फटाफट से मिलते हैं आगे। ललित आ जाए यार, बैक डोर से एंट्री मारी है। तो वही चौथा हो गया यार, चाबी लो, बाइक खड़ी करनी है। भाई मैं मेरी बाइक की चाबी भूल गया था, और पता नहीं किसी और की बाइक की चाबी लगा के मेरा बाइक स्टार्ट करा, फिर मैंने हो गई थी स्टार्ट, फिर स्टार्ट हो गई थी, करे घराखड़ी घराखड़ी करा अर्थन बेरा, मैंने पिक करा चक्कू ग्लास से काट दिया उसका। चाबी तो थी नहीं कोच, मैंने मारा हिसाब किताब ले आया भीतर, तो चक्कू थोड़ा सा पहना मैं गल लिया घर गुमो दिया, लफड़ तो ले लिया रखे हैं, लफड़ तो ले लूंगा बिटर का के करेगा लटका यार, अच्छा फुट के थोड़े दर्द दो आगे खड़े तो नहीं पिटर लगेगा, मैंने नहीं बता क्या था डर तू ललित, आप 4 मिनट सोने 10 बजे तक के मेरा चले रस, तो एक बात बता दूं, दो तो सुन सोच रे बड़ा हथियार बताता मैं तेरा कदे भी रोड़ा हो जाए तो ले आज का ही ना बाजियो टोरड़े देख लियो ईंट बाठे
बस आज 50 हो गए और चार जने ईंट मारनी है होंगे तो एक नहीं डटेगा गारंटी दे। ले ले भाई, एक जने का सिर फूटा 10 बजे ये हमारे कोच लट को पकड़ सकता आदमी ईंट को नहीं, ईंट तो फोड़े फोड़ेगी भाई। सही बात है, ईंट नहीं बंद होगी। सही बात, कर लेंगे ट्राई फिर। सच्चाई है। तो गाइस अभी फटाफट से अगला स्टेट जैसे ही हम क्रॉस करते हैं आगे दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। सरकारी पंप है दवाई गाल दे इसमें। बतौर ले होगी 5 लीटर तेल आराम कर। क्यों कर खाली चला दे क्या दिखन दे सगुन है। So guys, पता नहीं कौन साहब ने कौन सा शॉर्टकट मारा है, हरियाणा से सीधा यूपी ले आए और पता ही नहीं लगा जहां हम जा रहे हैं वहां से 6 घंटे का रास्ता हो रहा है यहां से यूपी आ गए। यूपी मैप पे तो हाँ गुजर बोले। यूपी से जहां हम जा रहे हैं वहां मैप पे दिखा रहा है 6 घंटे 14 मिनट का रास्ता, बाकी देखो ज्यादा ही लगेगा इससे तो काम भी तो गए रास्ता में रुकेंगे यार। मेरे को तो एक कड़क कड़क कॉफी पीने का मन कर रहा है। हाय हाय कड़क कॉफी बिल्कुल। सो गाइस रात के बज गए हैं अपना टोटल पूरा मिला के 1:26 और अभी तक हम हैं उत्तर प्रदेश। गाड़ी इतना नो स्टॉप भाई ब्रज घाट और हाईवे पूरा जाम हुआ बड़ा है, पिछले आधे घंटे से इसी में डोल रहे हैं हम। सो क्या करे गाइस समझ में नहीं आ रहा हमें। कमेंट करो गाइस। गाइस अब तक कमेंट करे होंगे अपनी डेस्टिनेशन पे सो रहे होंगे है ना कौन साहब। सो गाइस फाइनली वी आर इन रामपुर राइट नाउ, तो रामपुर पहुंच चुके हैं, रामपुर से सीधा निकलेंगे हम हल्द्वानी सौरभ जोशी के गांव शहर 500 मीटर्स एट द राउंड अबाउट टेक द फर्स्ट एग्जिट ऑन टू मौलाना सौरभ जोशी वही का है ना, हल्द्वानी का है ना, पावड़े का ही है वही का है, तो उसके शहर फिर उससे आगे भी जाएंगे। भाई आया तो लास्ट टाइम भी था लेकिन मैंने लास्ट टाइम ये सब वीडियो में नहीं लिया था, पता नहीं है क्या है लेकिन जो भी है अच्छा बहुत बढ़िया है। ये मुझे ऐसे लग रहा है जो ये शहीद हो चुके हैं ना वो लोग हैं सारे के सारे है ना, क्या कहना है उन लोगों के लिए आई लव हमारा रामपुर बोर्ड आ गया भाई। चलो को साहब मैप चाहिए क्या आपको? यस चलो बंद करिए एक बारी म्यूजिक बंद करियो मुना म्यूजिक बंद करते हैं। सो गाइस नैनीताल के रूट पे आ गए, ये सीधा नैनीताल जाएगा और भाई मेरी तो हिम्मत मेरी कम है, चलो मेरी ज्यादा है वो सभी कम है, भूख लग रही है इनको बहुत गंदी, तो यहाँ एक चाय वाला खुला था। सारी धरती पार करा लिया था हमने। 3-4 स्टेट पार करा लिया कभी। भाई मेरा कैश खत्म हो गया, अब अपना अपना कैश कैरी करो भाई। तो ऐसा है नैनीताल यहाँ से ठीक है 37 किलोमीटर दूर। ये ऐसी ऐसी बात बताओ, मैं इन बात को बताऊंगा इतना कुर्सी कितनी उखी ली है।
ये चाय पीने के लिए नीचे उतरी और ललित पीछे बढ़िया, मैं आगे बैठूंगा ललित बच्चों की तरह जिद्दी मैं भाई मुझे शूट करना है जिद्द को सब करो थे। हाँ भाई मैं आगे बैठने की जिद कर रहा था क्योंकि भाई पहाड़ी एरिया है, जब तक आगे सामने कुछ दिखे ना ना मजा नहीं आता, सबर नहीं होता, दिखा रहे पहले दांत में। तो अभी बिना किसी फर्दर डिले, बिना किसी फालतू की बकचोदी किए हुए फटाफट से निकलते हैं। 4:07 हो चुकी है और मंजिल अभी 37 किलोमीटर दूर है पहाड़ी। मंजिल तो अपन लेट कर दी, बहुत पहले पहुंच जाते, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन होटल तो कल सुबह ही मिलेगा ना अपने को। यस, तो टाइम पास करना पड़ेगा। वो भी वीडियो बना हुआ है 2 घंटे पे गड्डी में भी सो रहे खतरनाक सारी सच्चाई दिखा दे। 2 घंटे गाड़ी में सारे भाई साहब आज तो लिया पीछे मामी को लाने भाई 4,000 रुपये दिखाओ होटल के 2 घंटे 4,000 मामी नहीं देंगे गाड़ी में सो जाएंगे, गाड़ी में 500 तेल फूक लेंगे सो जाएंगे। सही बात है नहीं तेरे नहीं देने के बिल्कुल भी बिल्कुल। तो मैं फटाफट से निकलते हैं, पहले नैनीताल पहुंचते हैं, उसके बाद सोते हैं, दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है लेकिन कुछ भी समझ गया तो भाई उसके लिए इतना अंधेरे में किमें घूम दिखा भाई जंगल पड़े कुछ नहीं दिखता भाई सही में जंगली जंगल पड़े देखो ये हाथ में टैग दिखा होगा बस दिखा दिया एक बार। गाइस आग लगी हुई है देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई ज्वालामुखी चल रहा है, पेड़ कटे में साइड में भैया भाई ज्वालामुखी ही चल रहा है ऐसा लग रहा है। अरे तो नहीं है, अरे साइड में देख पेड़ भाई 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 पहाड़ों में ये सब भी होता है। आग लगी हुई है पूरी इसमें पूरे पहाड़ में हर जगह आग ही आग है ना, सूखे पेड़ है ये, लोगों के घर भी खतरे में होंगे मेरे ख्याल से। फिर तो कुछ खतरा कोई नहीं है, घर तो उस साइड आगे नीचे तक आग लग रही है। अभी अपन पहाड़ पे हैं। हाँ जी, तो गाइस सुबह का टाइम हो गया है 4:56 और अराउंड ऑलमोस्ट दिन निकल ही गया देखो, एंड तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम और पहुंच जाएंगे नैनीताल। 5 किलोमीटर लेफ्ट, 10 मिनट मान लो किलोमीटर के हिसाब से, 2 मिनट में भी चलते हैं। जैसे जैसे अपन नज़दीक आ रहे हैं ना वैसे वैसे दिन निकल रहे हैं, तो एक रात में हम नैनीताल पहुंच गए हैं, यानी कि 498 किलोमीटर हमने रात रात में तय कर दिया। खुश साहब आप हिम्मती बाढ़ गां फिर बेरा कौन था है भूल गया, आपकी नींद दिख रही है चेहरे पे। चलो नींद छोड़ता हम पूछा दिए नहीं, हम पूछा दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाकी कल मेरा के तो नाश हो लिया, तारा कर दिया निकल लिए मारा विनाश कर दिया पूछा दिया आपने, न्याल कर दिया नाश तो बनकर न्याल कर दिया। वो देखो भाई जी तो ना सोचे हम अब हम पहाड़ सबसे ऊंचे पहाड़ पे मेरे ख्याल से नहीं, अभी भी है बहुत पहाड़ स्कूटी ले चला गया, बाकी के पहाड़ कल दिखाते हैं। नहीं स्कूटी क्या करेंगे, वो आग वाली जगह अभी भी दिख रही है और व्यू देखो गाइस, और ठंडी हवा चल रही है बहुत ठंडी हवा, ठंड हम तो वैसे निक्कर में आए हैं, कैफरी में आए हैं भाई, ठंड लग रही है। मेरे ख्याल से ना अभी अपने से ऊपर ये वाला ही पहाड़ है बस, है ना, आप सबसे ऊपर है कुछ भी फिलहाल, ठंड लग रही है बहुत गंदी, बहुत गंदी ठंड लग रही है, बहुत गंदी कूल एयर इज फ्लो। गाइस बात ऐसे है, तुम्हारा भाई आ गया है वापस नैनीताल 3 महीने बाद, एंड अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, सारे के सारे थके हुए हैं, और होटल जो है वो हम लेंगे 9 से 10 बजे के आसपास, तब तक यहीं सोना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। 5:12 हो गई है तो
अभी के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, जर्नी दिखा दी, बाकी कल के ब्लॉग में मिलते हैं, कल के नहीं बाद में जो होगा वो आप लोगों को दिखाते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।